अब हम डिस्कशन करेंगे कॉन्सेप्ट कोड नंबर 5, जिसमें हम एड्रेस के साइज, डबल पॉइंटर के साइज और नॉर्मल वेरिएबल इंट और कैरेक्टर का डेटा टाइप का साइज क्या होगा, हम आपको एक कोड द्वारा बताएंगे। चलिए फर्स्ट इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करें ताकि हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर सके। हमने इंट si डिक्लेयर कर दिया है, इनिशियल वैल्यू 100, कैरेक्टर ch, इनिशियल वैल्यू कैपिटल G, सिंगल पॉइंटर iptr एड्रेस ऑफ i होल्ड कर रही है, सिंगल ptr सिंगल पॉइंटर cptr एड्रेस ऑफ ch होल्ड कर रही है। अब क्योंकि diptr डबल पॉइंटर है और dcptr डबल पॉइंटर टू कैरेक्टर है, ये केवल एड्रेस ऑफ iptr और ये वाला dcptr एड्रेस ऑफ cptr होल्ड कर सकता है। तो मेरा दूसरा स्टार मुझे वैल्यू देगा 100, ये दूसरा स्टार मुझे वैल्यू देगा G। तो मैं डबल पॉइंटर को एड्रेस ऑफ iptr असाइन करा दिया, डबल कैरेक्टर पॉइंटर को मैंने एड्रेस ऑफ cptr असाइन करा दिया। पहले हम साइज ऑफ si और साइज ऑफ ch का फाइंड आउट करेंगे। जब हम साइज ऑफ si और साइज ऑफ ch फाइंड आउट करने के लिए कोड लिखे है, प्रिंट ऑफ किया है हमने साइज ऑफ ऑपरेटर द्वारा, तब हमें आउटपुट मिल रहा है ए वाला 4 और 1, यानी इंटीजर का साइज है 4, ठीक है, इंटीजर का साइज है 4 और कैरेक्टर डेटा टाइप का साइज है 1 इस पर्टिकुलर ऑनलाइन GDB कंपाइलर पे। अब हम अगले लाइन पे क्या कर रहे हैं, साइज ऑफ स्टार iptr, अगर केवल iptr होता तो हो जाता एड्रेस ऑफ si, क्योंकि स्टार iptr है वो रेफर कर रहा है वैल्यू 100 और स्टार cptr रेफर कर रहा है वैल्यू G। तो साइज ऑफ 100 जो इंटीजर टाइप वेरिएबल हो वो भी 4 होना चाहिए, साइज ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल 1 byte होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ देख सकते हो तो यहाँ देख रहे हैं कि साइज ऑफ स्टार iptr और स्टार cptr 4 और 1 है। इसका एक कारण है, अगर आप iptr प्रिंट करोगे तो 100 प्रिंट हो जाता, क्योंकि आप स्टार iptr कर रहे हो वैल्यू एट सॉरी अगर आप iptr प्रिंट कर रहे हो तो तब तो एड्रेस ऑफ si प्रिंट होता, अगर आप cptr प्रिंट करते तो एड्रेस ऑफ ch प्रिंट होता, क्योंकि आप स्टार iptr कर रहे हो तब वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे भी वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन प्रिंट हो रहा है। वैल्यू एट एड्रेस si 100 है, वैल्यू एट एड्रेस ch G है, तो इन दोनों के साइज है 4 और 1। चलिए अभी अगले लाइन पे हम कुछ अलग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि साइज ऑफ iptr क्या है और साइज ऑफ cptr क्या है। अगर आप देख रहे हो iptr सिंगल पॉइंटर है, cptr भी सिंगल पॉइंटर है, यानी ये दोनों वेरिएबल एड्रेस ऑफ इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल और ये वाला एड्रेस ऑफ कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल होल्ड कर सकता है। अब हम देखेंगे इस मशीन पे अगर आप देख रहे हो तो साइज ऑफ दोनों की 8 है, मतलब थोड़ा आपको डिटेल समझाना जरूरी है। अगर हमारा पॉइंटर वेरिएबल 1 byte का है तब हम 0 to 255 एड्रेसेस रेफर कर सकते हैं, अगर हमारा पॉइंटर वेरिएबल का साइज है 2 bytes तब हम अप्रॉक्सीमेटली 65 kilobytes ऑफ यूनिक मेमोरी एड्रेस रेफर कर सकते हैं, अगर हमारा पॉइंटर का साइज है 32 bits तब हम बेसिकली 4 gigabytes ऑफ मेन मेमोरी लोकेशंस को आइडेंटिफाई यूनिकली कर सकते हैं, और अगर हमारा पास जैसा यहाँ है 8 bytes यानी 64 bits, अगर पॉइंटर का साइज है 64 bits तब हम 18 exabytes यूनिक मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 18 exabytes बहुत ही बड़ा क्वांटिटी है और पॉइंटर 8 bytes होना मोर देन इनाफ है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसी कारण साइज ऑफ iptr है 8, साइज ऑफ cptr है 8। ये कंफ्यूज ना हो, चाहे पॉइंटर इंट का हो, चाहे पॉइंटर कैरेक्टर का हो, चाहे पॉइंटर फ्लोट का हो, उनका साइज होगा सेम, क्योंकि वो बेसिकली एड्रेसेस
स्टोर कर रहे हैं, वो एड्रेस वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू ने वो एड्रेसेस स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि एड्रेसेस का साइज है इस मशीन पे 8 bytes, तो इसी कारण पॉइंटर का साइज भी 8 bytes है। अभी डबल पॉइंटर भी एक वेरिएबल है जिसमें हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, तो अगर आप साइज ऑफ डबल पॉइंटर भी देखोगे वो भी 8 है, क्योंकि डबल पॉइंटर क्या कर रहा है, डबल पॉइंटर जो है एड्रेस ऑफ IPTR और एड्रेस ऑफ CPTR स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि IPTR और CPTR दोनों वेरिएबल्स है, वेरिएबल का एड्रेस हम इस मशीन पे 8 bytes से रेफर कर रहे हैं, इसी कारण DIPTR और DCPTR दोनों 8 bytes के साइज है। तो ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन साइज ऑफ डेटा टाइप्स, साइज ऑफ पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल्स।